अनुपमा, सीरियल में एक नया ट्विस्ट आने वाला है। अनुज का लेटर पढ़ने के बाद अनुपमा बेहद खुश है, लेकिन उसके जाने का गम उसे अब सताने लगा है। अनुपमा की जिंदगी में खुशियाँ आती हैं, पर पूरी तरह टिकती नहीं है। इस बार घर में छोटी ने चोरी कर ली है और सभी लोग इसका दोष अनुपमा पर डाल रहे हैं। छोटी पैसे लेकर भाग गई है और ढूंढने पर भी नहीं मिल रही, मगर अनुपमा को यकीन है कि उसकी बेटी बिना किसी खास वजह के ऐसा काम नहीं करेगी। घर के बाकी लोगों को अनुपमा पर उंगली उठाने का मौका मिल गया है। अनुपमा की हिम्मत नहीं टूटती और जैसे ही वह अपनी बेटी आद्या को घर वापस लाती है, सभी कहते हैं कि इस घर में चोरों के लिए जगह नहीं है। सभी लोग अनुपमा और आद्या पर उंगलियां उठाने लगते हैं, लेकिन तभी अनुज कपाड़िया की धमाकेदार एंट्री होती है। अनुज सभी को फटकार लगाता है और कहता है कि 15 साल बाद भी आप वैसे ही हैं। अनुज बताता है कि उसकी बेटी ने चोरी इसलिए की थी ताकि एक गरीब बच्चे का इलाज हो सके। आद्या कहती है कि उसके पास सभी को बताने का समय नहीं था और उसे यकीन था कि लोग उस पर भरोसा नहीं करेंगे, इसलिए उसने यह कदम उठाया। अनुपमा को अपनी बेटी पर गर्व होता है और वह सभी को चेतावनी देती है कि अब कोई उसकी बेटी के बारे में कुछ नहीं कहेगा। अब सवाल यह है कि अनुज 15 सालों से कहां था और अचानक कैसे आ गया? क्या सच में यह अनुज है या कोई और? और टीवी के ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।